नागपुर के पास एक छोटा सा गांव था बसंतपुर। वहाँ की तीन चीजें प्रदूषित थी। पहला मीठा रसीला सड़क, दूसरा पॉल्यूशन फ्री गांव जहाँ सिर्फ टांगे चलते थे, और तीसरा जगन पंडित उर्फ रंगीला चाचा। जगन के पिताजी पंडित जगन नादन एक लोभी व्यक्ति थे। अपने बेटे के लिए दहेज की बड़ी मांग रखने के कारण जगन की शादी की उम्र निकल गई थी। जगन लड़कियों और महिलाओं से हमेशा तड़ता था और उन्हें देखकर कमेंट्स करता रहता था। इसी गांव में एक टांगे वाली बसंती रहती थी। बसंती पूरे बसंतपुर की युवाओं की बुजुर्गों की दिल की धड़कन थी। चलो भाई लोग चलो, बसंती का टांगा खुलने वाला है। अगर टांगा छूट गया तो समझ लो कि तुम्हारी ट्रेन छूट गई। अरे ऐसे कैसे चली जाओगी, जगन तुझे जाने नहीं देगा। बोले तू जहाँ जहाँ चलेगी मेरा साया वहीं पर होगा। क्यों चाचा, आज सुबह सुबह कोई चाची सपने में आ गई थी क्या? पंडित जी अपनी पंडिताइन तो समय पर ले आए, लेकिन बेटी की पंडिताइन लाना ही भूल गए, बस पैसा याद रहा। वो कहा है ना बसंती, अपुन के शादी के टाइम तू थोड़ी बच्ची रहेली, नहीं तो अपुन का बाप गया तेल लेने, अपुन तेरे से ही शादी बनाता। चाचा कोई विधवा परित्यक्त गूंगी लंगड़ी अंधी को देखकर शादी कर लो ना, नहीं तो कब ऊपर से बुलावा आ जाए और तेरी टिकट कट जाए कोई नहीं जानता। चल धन्नो। अरे रुक मेरी जान, अपुन भी चलेगा स्टेशन, वो अपुन की भाभी की बहन अरे लिए। चूँकि बसंती की गाड़ी एक बार खुलती है तो फिर नहीं रुकती, जिसे आना है दौड़ कर चढ़ जाए। अरे मेरी जान जरा धीरे कर टांगा, बच्चे की जान लेगी क्या? अपुन का धड़कन बोले तो हार्ट बीट 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है। आ जाओ चाचा और चुपचाप बैठ जाओ। वो कहा है कि इन धन्नो को मेरे अलावा किसी की बकबक नहीं पसंद, अगर धन्नो बुरा मान गई तो फिर मुझसे मत कहना। चलो भाइयों, बसंती और धन्नो की सेवा यहीं समाप्त होती है, फिर एक घंटे बाद बसंतपुर के लिए रवाना होगी यहाँ से। तू यही रोग अपुन की भाभी की बहन को लेकर अभी आया, आगे की 2 सीट रिजर्व रखना। लाखों तारे आसमां में मगर कोई अपना न हुआ। ईमान कम हियर, जरा बसंतपुर का ये एड्रेस बता सकते हो? छबीली चाचा को भला बुरा कहते आगे बढ़ जाती है और बसंती के टांगे पर जाकर बैठ जाती है। का कहते हैं कि हम बसंती हैं और बसंतपुर के सभी लोग को हम पहचानती भी हैं। क्योंकि तुम्हें किसके यहाँ जाना है, तुम तो यहाँ नहीं लगती हो। हमें पंडित जगदानंद के यहाँ जाना है, उनके बड़े बेटे मगन पंडित हमारे जीजा हैं। तभी इधर से जगन को आता हुआ देख छबीली बोलती है, लुच्चा कहीं का। क्यों क्या हुआ, किसे लुच्चा कह रही हो? वो जो चाचा आ रहे हैं उम्र का ख्याल भी नहीं रखते, मुझे देखकर गाना गा रहा था मुआ कहीं का। लाखों तारे आसमान में मगर कोई अपना ना हुआ। घर में बहन बेटी नहीं है जो ऐसे मटर गश्ती करता रहता है? अरे क्या हुआ, अभी इनके बाल भी कहाँ पूरे पके हैं, अगर तुझे देख इनका दिल मचल गया तो इसमें इनकी क्या गलती है? अच्छा मुए को देखो तो कैसे ढीठ सा देखते हुए आ रहा है, लगता है तू पर उसका दिल आ गया है। अरे बसंती कोई लड़की को देखा है क्या? पता नहीं कहाँ रह गई, देहाती टाइप की होगी, पता नहीं कहाँ से नमूने चले आते हैं। जाहिलों की कमी नहीं है हमारे देश में। अरे चाचा नई जगह है, कहीं बैठ गई होगी या किसी से एड्रेस पूछ रही होगी ना बेचारी। अरे कहाँ की बेचारी, पढ़ने के समय में गप्पे हाँकती होगी। आप इन जैसी लड़कियों का PhD किएला है कौन? मैडम मैडम आप पीछे जाओ, ये हमारी सीट है। ए चाचा मुझे ऐसी वैसी मत समझना, कब से तुम्हारी खरतूते देख रही हूँ। तुम जैसे हलकच ठरकी रंगीले बुद्धे पर मैंने PhD भी कर रखी है। चुपचाप निकल लो यहाँ से, नहीं तो यहाँ पर मुँह में कालिक पोतवा दूंगी। ए अपने को तू बड़ा श्रीदेवी समझ रही है क्या? तेरे जैसी जगन पंडित के सामने कितनी आई और कितनी गई। हाँ क्या कहा, आप जगन पंडित हो? नहीं मैं ढोंगी पंडित हूँ, क्या कर लेगी, चल अपना काम कर,
अभी अब उनका मूड ऐसा ही है भयानक वाला। चल पीछे चल। आप जगदानंद के बेटे हो? अरे काय को फिरकी ले रही है बसंती, ये तेरी क्या लगती है? इसको बोल के अब उनका भेजा फ्राई ना करे, अगर मेरी हड़ गई ना तो उठा के पटक दूंगा। बसंती बस मुस्कुराती रहती है और कुछ बोलती नहीं। छबीली भी चुपचाप पीछे की सीट पर चली जाती है। बसंती का टांगा जगन के घर पर जैसे ही रुकता है, वहाँ जगन की भाभी शर्मीली आती है। अरे छबीली, तू रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? ऐसे मेरे देवर है चालाक, अब मैं जानती थी, तभी तो तुम्हें लाने के लिए इन्हें ही भेजा था, क्यों देवर जी? अरे भाभी, एक मिस्टेक हो गया, ये मुझसे आपकी बहन को पहचानने में थोड़ी सी गलती हो गई। ओ मैडम, मुझे माफ करो, जाने अनजाने में मेरे मुंह से जो निकल गया उसके लिए सॉरी। सॉरी किस बात की देवर जी, मतलब एक घंटे में अपने लक्षण दिखा दिए मेरी छबीली को। आओ बहन, घर के अंदर चलो। अब ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने जो भाभी तुम मुझ पर बरस रही हो? एक तो फर्स्ट इम्प्रेशन ही मेरा खराब हो गया है, ऊपर से तुम आग में घी डालने का काम कर रही हो। कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानती, ये सब तो चलता ही रहता है ना। वैसे आप बहुत अच्छे हो। आज अगर मेरी जान भी चले जाए तो कोई कम नहीं, आपने जो अपन को इज्जत दी है वो मेरे लिए नोबल प्राइज से भी बढ़कर है। ऐसा लग रहा है कि खुश होकर खुदकुशी कर लूं। वैसे भी आपका नाम छबीली जी है ना? जी, मेरा नाम छबीली है चाचा। अरे मार डाला रे, दो मिनट में जितनी इज्जत दी सारी की सारी सूद समेत वापस छीन ली। अपुन जैसे छैल छबीले को मेरी छबीली चाचा बोल डाली रे। रंगीला चाचा, छबीली, शर्मीली सभी घर में चले आते हैं। वहाँ छबीली और जगन में फिर से चाचा को लेकर तकरार शुरू हो जाती है। सुन लो भाभी, अपनी बहन को कह दो कि अपुन सब कुछ सुन सकता है लेकिन चाचा नहीं सुन सकता। पूरे बसंतपुर में अपुन जैसा छैल छबीला गबरू जवान खोजना मुश्किल है। अच्छा, अगर गबरू जवान हो तो कल सुबह मेरे साथ जॉगिंग पर चलोगे, पता चल जाएगा कि तुम कितने छैल छबीले हो। हाँ क्यों नहीं, अपन तो स्कूल लाइफ से ही एनसीसी का बेस्ट कैडेट रहा है। हाँ ये अलग बात है, हाँ ये अलग बात है कि अभी प्रैक्टिस जरा छूटी हुई है। कल सुबह सुबह जगन और छबीली दोनों दौड़ने जाते हैं। छबीली पूरे मैदान में चार चक्कर मारती है और उसके पीछे पीछे जगन लगभग आधा मैदान पहुँचते पहुँचते हाफ कर गिर पड़ता है। छबीली दौड़ते हुए आती है। उठो मेरे छैल छबीले, अरे तुम तो गबरू जवान हो, चलो दो चक्कर और मिलकर मारते हैं। नहीं, तुम मुझे चाचा ही बोलोगी, मुझसे अब एक कदम भी चला नहीं जाएगा, कोई एम्बुलेंस बुला लो रे।